हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो गुड़िया नहा के आ चुकी है, ये अपने बाल बारी है और आज इसने पहना जींस टॉप। थोड़ी देर ही पहनेगी क्योंकि इसे गर्मी लगती है और घर में फिर कंफर्टेबल कपड़े चाहिए। रोज ऐसे ही करती है, पहले नहा लेगी, 1-2 घंटा ऐसे रहेगी और फिर से कपड़े चेंज कर लेगी। इसके पापा जा रहे हैं आज गाँव में क्योंकि माँ की दवाई दे के आनी है। मेरी सास की तबीयत ख़राब है तो उनकी दवाई दे के आनी है। तो कुछ दवाइयाँ ऐसी है जो यहीं पे मिल पाती है, दिल्ली से ही जाती है और उन्हें आदत भी यहीं से ही है लेने की। तो कुछ भी इलाज होता है तो वो यहीं से चलता है। तो अभी लॉकडाउन की वजह से वो आ नहीं पा रहे तो इसलिए जाना पड़ेगा देने के लिए। और दोपहर का लंच अभी मेरा बना नहीं है तो मैं सोच रही हूँ चावल बना लूँ और जल्दी बन जाएंगे क्योंकि गर्मी में कुछ भी खाने का मन नहीं करता और दोपहर में चावल अच्छे लगते, तो मैं दोपहर में ज़्यादातर चावल ही बना लेती हूँ। और मेरी वीडियो चल रही है तो गुड़िया इस पे डांस कर रही थी, इसमें म्यूजिक आ रही थी तो मैं थोड़ी देर देख लेती हूँ जब भी टाइम मिलता है। वैसे मैं अपनी बना के कई बार नहीं देख पाती पर ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ मैं एक बार तो देख लेती हूँ अपनी बना के। नहीं, लिप रोज रोज दिला रही हूँ फिर फिर मतलब क्यों लगा रही है जब पसंद आ रही कलर वाली चल रही है। आगे तक क्या मेरे से कूड़े में फेंक दूंगी, लगाऊंगी बताओ। देखा आजकल के माँ बाप, मैंने आपको वो लगा वैसली लिया ना, वैसली करता है क्या है साला। इसकी दुकान मैंने कलर भी दे रही है, ये तो अच्छी भली कलर वाली ना चाहिए थी ना, है मेरे पास कलर वाली। अब मैं बनाऊंगी चावल, तो चावल बनाने से पहले इन्हें पापड़ खाने थे तो पापड़ बना लिए। और चावल में मैं डालूंगी शिमला मिर्ची, थोड़ी सी मैंने फली काटी है ग्वार की, तो ग्वार की फली बोलते हैं हम तो यहाँ पे, पता नहीं और क्या बोलते हैं इसको, मुझे पता नहीं है। और मैंने प्याज काट लिया, तो थोड़ी सी मंगोड़ी डालूंगी तो इसे फ्राई करके निकाल लूँगी क्योंकि फ्राई करके डालते हैं ना तो अच्छी बनती है। तो मैंने इसको तेल में फ्राई करके पहले निकाल लूँगी। चावल मैंने थोड़ी देर भिगो दिए थे और अच्छे से धो के और साफ़ करके चावल जब रख लिए थे, वैसे जो दुकान के चावल होते हैं उनमें कुछ नहीं निकलता, साफ़ ही होते हैं, फिर भी मैंने एक बार चेक कर लिए थे। और बस मैंने प्याज डाल दी, प्याज थोड़ी सी फ्राई होगी ना तो ज़्यादा नहीं करूँगी, चावल में थोड़ी कमी अच्छी लगती है। तो इसमें मैंने थोड़ी सी डाल दी है जीरा, जीरा मैंने बाद में डाला क्योंकि जीरा कई बार जल जाता है तो मैं प्याज के साथ डालती हूँ तो इतना नहीं जल पाता, फिर ठीक लगता है। और इसमें डालूंगी काली मिर्च और एक तेज पत्ता, थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है दालचीनी, प्याज के साथ ही डाल दूंगी तो और अच्छा टेस्ट आएगा। खड़ा मसाला डाल के चावल बनाते हैं तो अच्छे बनते हैं, तो मैंने प्याज के साथ ही इनको डाल दिया तो और अच्छा सा वो आएगा, खुशबू आएगी। और इसे भी थोड़ी देर पका लूँगी प्याज के साथ। अब मैं डाल दूँगी इसमें सब्जी जो मैंने काट के रखी थी, इन्हें भी थोड़ा सा प्याज में फ्राई कर लूँगी। और बस इसके बाद इसमें डाल दूंगी चावल, चावल को भी थोड़ी देर इसमें ही पकाऊंगी। थोड़े से तेल में अगर इनको फ्राई सा करके बना लेते हैं तो चावल इस तरीके से बनाते हैं तो अच्छे बनते हैं। अदरक लहसुन नहीं डालती मैं इस तरह से चावल बनाती हूँ, तो बहुत कम डालती हूँ कभी कभार। तो इसमें मैं मंगोड़ी डाल दूँगी और इसको भी अच्छे से चला दूँगी। और इसके थोड़ी देर बाद मैंने इसमें एक टमाटर काटा था तो एक टमाटर डाल दूंगी। टमाटर डालने के बाद इसमें डाल दूंगी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ और नमक। अब मैंने इसमें डाल दिया पिसा हुआ धनिया और लाल मिर्च, मिर्ची में थोड़ी कमी रखूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और थोड़ी सी देर ऐसे फ्राई करने के बाद फिर मैं इसमें डालती हूँ पानी। चावल बहुत अच्छे बन जाते हैं और बगैर कुकर के बनाती हूँ मैं, कभी कुकर में भी नहीं बनाती, कढ़ाई में ही बना लेती हूँ या पतीली होती है उसमें बना लेती हूँ, तो मेरे चावल जैसे मैं चाहती हूँ वैसे ही बन जाते हैं क्योंकि कुकर में मुझे झंझट लगता है और ज़्यादातर तो मुझे कुकर धोने में आलस आता है तो मैं खुले बर्तन में बना लेती हूँ चावल और अच्छे से बन जाते हैं। तो बस इसमें पानी मिक्स कर दिया मैंने और ढक के पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ दूंगी।
और अब मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ी सी सौंफ। सौंफ से ना जो वेज पुलाव बनाते हैं उसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो मैंने इसमें सौंफ डाल दी। और थोड़ी देर के बाद मतलब इसे ढक के पका लूंगी अब मिक्स करके, और जब तक मेरे चावल पकेंगे तो मैं सैलेड काट लूंगी अपनी। तो बस चावल बनके मेरे रेडी हो गए हैं, और अब इसमें काट के धनिया डाल दूंगी हरा। और चावल मैंने गुड़िया को दे दिए, ऐसे ही घूमती रहेगी, बहुत कम खाती है, और उसमें से भी फिर बचा देगी थोड़ी देर बाद। और गुड्डू तो बिल्कुल भी खा के खुश नहीं है, इसे चावल ऐसे पसंद नहीं आते, कहेगा मम्मी या तो रोटी बना दो या पराठा दोपहर में भी, तो इसी की तो मुझे रोटी बनानी पड़ती है कई बार। तो बस अभी 2-3 बजे का टाइम होगा खाना वाना खा के, और गुड़िया तो अभी भी प्लेट लेके अपनी बैठी थी, ये जाएंगे गाँव में, तो गाँव में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इनका पिज्जा छोड़ दो तुम, अनु सोचो कदे मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, मेरे तो दे जाओ 1000 रुपए। मने भी तो खर्चा चाहिए घर में। हाँ लाओ तो कितने हैं? एक नोट और दो, एक और। गुड्डू गुड्डू ना सारे फायदा उठा रहे हैं। मुझे फिर क्यों जा रहे हो, रहन दो, सारी चीज बच जाओगे। हाँ ना। और ये कहीं भी जाते हैं ना तो बहुत कम अकेले जाते हैं, क्योंकि हम लोग साथ में जाते हैं ना इसलिए। और ये जाने की अगर काम से भी जाएंगे ना तो बच्चे भी मैं भी बस ऐसे ही परेशान करते रहते हैं। और गुड्डू गुड़िया तो कुछ ना कुछ बुक कर मतलब मंगा लेंगे कि हमारा पिज्जा बुक करके जाओ पापा, जा रहे हो तो बाहर, इसलिए हम हंस रहे थे और कह रहे थे मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। सब तो कह रहे हैं हाँ मेरी मजबूरी का सब फायदा उठा रहे हैं। कितने की आएगी अब इस पे? तू सैनिटाइजर छिड़केगा गुड्डू, खाने की चीज है ये तो, कैसे करेगा? नो नो, चल ले जा गुड़िया ये भी ले जा, मैं ले जाऊंगी, और कौन ले जाएगा? घर में तू ही है बस, और कौन है गुड़िया, तू ही तो है। दोपहर में पिज्जा पार्टी चल रही है तुम्हारी, इतने छोटे छोटे गुड्डू, कैप्सिकम का ही, और ये वाला कौन? इस गुड़िया अपने पापा को गांव में भेज के पिज्जा पार्टी बना रही है, कोई तो एक साथ मनाता है। तुम्हारे पापा जी रहे तो तुम जा भेज के साथ में मना लेते हैं, और क्या मैं ऐसे ही है बस। पापा हो जाए तो पापा भी खाते, पापा ही बुक करके गया, ये भी हमारा।